डे 3 ऑफ आवर मॉनसून ट्रैवल डायरीज और हम लोग अभी बहुत ही क्लियर वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का। ब्रेकफास्ट में जनरल जो गवर्नमेंट में मिलता है पूरी सब्जी एंड वी गेट टी और कॉफ़ी और यू कैन गेट ब्रेड बटर ऑमलेट एंड यहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिलता है क्योंकि नेताहट बहुत दूर है शहर से, इसलिए सो यू विल गेट द जनरल ब्रेकफास्ट विच इज़ गुड एंड यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स एरिया बिहाइंड मी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हैज अ वेरी गुड हिल व्यू, सो हियर इट इज़। और एक चीज़, मानसून में क्यों आना चाहिए नेताहट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मानसून में आते हो द वाटरफॉल्स आर इन फुल स्विंग एंड यू कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटिफुल क्लाउड्स देयर विच समटाइम्स फ्लो इनटू योर वरांडा एज वेल। तो चलिए आज निकलते हैं नेताहट को एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। निकलते हैं तो आज का प्लान है हम लोग पहले जाएंगे शैले हाउस, फिर पाइन फॉरेस्ट, नेताहट स्कूल और नेताहट लेक। उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, देखते हैं यहीं पे वापस आ सकते हैं या कहीं और करेंगे और फिर जाएंगे लोध फॉल्स, बट देखते हैं वेदर कैसे रहता है। सो लेट्स गो। हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि पाइन फॉरेस्ट, क्वेल व्यू पॉइंट और नेताहट लेक। आप देख सकते हो ऑलरेडी पाइन के ट्रीज दिख रहे हैं। एंटायर नेताहट एरिया इज कवर्ड बाय दीज पाइन फॉरेस्ट। क्वेल व्यू पॉइंट इज अ शॉर्ट 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द होटल। हम लोग है कोयल व्यू पॉइंट। तो जैसे आपको दिखाया कोयल व्यू पॉइंट में एक पार्क का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बगल में ही है पाइन फॉरेस्ट। तो अभी हम लोग पाइन फॉरेस्ट में एग्जैक्टली है और यहाँ से हम कोयल नदी का नज़ारा ले रहे हैं। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल कोल्ड ब्रीज दैट इज ब्लोइंग, साथ में पाइन की खुशबू एंड अ ब्राइट सन, जस्ट द बेस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन अ हिल स्टेशन। सो आई विल जस्ट स्वैप द कैमरा, यू कैन गेट। तो वो जो येलो सा पैच दिख रहा है आपको, द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू दैट एंड यू कैन गेट द एंटायर व्यू ऑफ द वैली। ये है आरव नाइसली सिटिंग एंड एंजॉयिंग कोयल व्यू पॉइंट। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क दैट इज हैपनिंग, द जेसीबी। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेताहट लेक। तो चलते हैं, चलिए।
ये रास्ता जैसे आप देख सकते हैं पूरा रैली रोड है, तो धीरे धीरे 20 के स्पीड पे जाना पड़ रहा है। हम लोग जब आ रहे थे कोयल व्यू पॉइंट तक, देखा के कोयल व्यू पॉइंट तक तो रास्ता बन रहा था, अभी ये रोड अभी भी अनटच्ड है। इट्स अ नाइस स्लो ड्राइव थ्रू यूकेलिप्टस प्लांट्स। कैमरा मेरा हिल रहा है, बट यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट द रोड इज लाइक। नेतरहाट में ना कमर्शियलाइजेशन अभी उतना हुआ नहीं है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो कोयल व्यू पॉइंट में कुछ था ही नहीं, जस्ट अ व्यू पॉइंट था। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट में ये सारे नाशपाती के पेड़ है, तो अभी सीजन हो गया है, द फ्रूट हैज बीन हार्वेस्टेड, तो अभी खाली आपको पेड़ दिख रहे होंगे। But these eucalyptuses appear to have been planted long time back. And they are of decently large size. So दूर पाइन के फॉरेस्ट से यहाँ यूकेलिप्टस है और लेफ्ट में पूरा नाशपाती ऑर्चर्ड है। An idyllic hill station, so to say, you know, not too much tourist population, not too much urbanization. You can just come and enjoy 2 days and go back. Even mobile network is not that very good, so that way you can also have a digital detox if you come to Netarhat. तो हम तो थोड़ा creative type के हैं, तो इसीलिए मुझे तो ये रास्ता जो है सामने ये पूरा painting की तरह दिख रहा है मुझे, जैसे आप walls में painting देखते हो ना, वैसे ही ये यूकेलिप्टस ट्रीज एंड दिस रोड लुक्स लाइक अ पेंटिंग टू मी। ये देखिए, ये है एक नया नाशपाती ऑर्चर्ड। तो अगर आप सीजन में आओगे जो कि जुलाई, यू कैन इवन गो इनटू दीज एंड प्लक नाशपातीज। सो हियर इट इज, हम थोड़ा सा जूम करेंगे। हाँ, हियर। तो अब यूकेलिप्टस खत्म हो गया है, ये पाइन के फॉरेस्ट है। यू कैन सी हाउ द पाइन ट्रीज आर नाइसली ओवरहंग ओवर द रोड। ये पता नहीं कौन से ट्रीज है, कुड बी साल। बिफोर विजिटिंग नेतरहाट लेक वी मेड एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लोअर घाघरी फॉल्स के तरफ, जो कि ये रोड आप देख रहे हो, दिस इज थ्रू द फॉरेस्ट एंड क्वाइट एक्साइटिंग। अगर आप लोग भी नेतरहाट ऑलरेडी आ चुके हो तो प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस in the comment box. We would also love to hear from you and let's connect. So we are waiting to see your comment. Is a proper rally road. दिख रहा होगा, it's a sharp fall on the left. लोग बहुत ही सावधानी के साथ और 20-25 kmph में चला रहे हैं। बीच
बीच में जहाँ वाटर के पडल्स है वहाँ पे टायर थोड़ा स्केट कर रहा है लैटरल मूवमेंट के। ये है रोड, हमने कैमरा को थोड़ा बाहर की तरफ किया टू शो यू। तो अभी तक तो लोअर घाघरी फॉल्स कहाँ है कुछ बोर्ड भी नहीं है तो हमें पता नहीं है, और कुछ कोई गाड़ियाँ भी नहीं है, एंड दिस इज अ नो नेटवर्क एरिया एब्सोल्युटली। सो डोंट नो, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग गाड़ी घुमा के फिर वापस जाएंगे। बट दिस ड्राइव वॉज ऑल्सो एक्साइटिंग, लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग। देखिए घाघरी रिवर, ये देखिए, नाउ वी आर गोइंग अलोंग द रिवर। तो ये है घाघरी रिवर और वी आर ड्राइविंग जस्ट बिसाइड इट। फाइनली पहुंच गए, हियर इट इज। और ये है लोअर घाघरी फॉल्स जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं और हमारा गाड़ी है, एंड द ड्राइव टू दिस प्लेस वाज वर्थ इट। तो अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो, एडवेंचर करना चाहते हो, डू कम हियर टू दिस नो नेटवर्क जोन। The drive was worth it. Falls का पूरा तो दिखता नहीं है, ऊपर से जहाँ पे वो ड्रॉप हो रहा है वहाँ तक ही दिखता है, उसके बाद नीचे जाने का कोई वे नहीं है, तो नीचे से आपको दिखा नहीं पाए। बट द ड्राइव इज एक्साइटिंग फॉर एन एवरेज गाय हु डज हाईवे रोड ट्रिप्स एंड यू नो सिटी कम्यूट। टेकिंग योर कार आउट, इफ यू हैव अ compact SUV or a mini SUV, taking your car out once or twice a year like this onto roads like this would be an exciting thing to do. तो अभी हम लोग अपहिल क्लाइम करेंगे, आने में तो लगा था कुछ 25-30 मिनट्स, हाँ टाइम लगेगा, चलते हैं फिर।
ये बोर्ड आप राइट पे देख सकते हो, सो द जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ झारखंड पुलिस इज इन नेतरहाट, और ये नेतरहाट लेक के पास ही है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में नेतरहाट लेक पहुंच जाएंगे, पहुंच के वहां का नज़ारा आपसे शेयर करेंगे। लेफ्ट में आप देख रहे हो, दिस इज नेतरहाट लेक, और वहाँ दूर वहाँ पे है नेतरहाट डैम, और ये है एक एम्पी थिएटर जहाँ पे इवेंट्स हुआ करते हैं। विद अ कूल ब्रीज ब्लोइंग, दिस व्यू इज ऑसम। लेक देख के हम गए द फेमस नेतरहाट स्कूल देखने। तो मेरे पीछे है द फेमस नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, और दिस इज एफिलेटेड टू द CBSE बोर्ड, और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट करके IAS IPS बने हैं। नेतरहाट स्कूल की टीचर्स एंड हॉस्टल कॉलोनी। क्लोज टू द स्कूल इज अनदर अट्रैक्शन ऑफ नेतरहाट, द शैले हाउस। नेतरहाट की यह ऐतिहासिक इमारत is made of wooden logs. इसकी स्थापना 20th सेंचुरी की शुरुआत में बिहार और ओडिशा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के अवधि के दौरान की गई थी। इनिशियली इट वॉज यूज एज अ समर गेस्ट हाउस फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स हु यूज्ड टू होल्ड इम्पोर्टेंट डिस्कशंस विद इन्फ्लुएंशियल विलेज चीफ्स। अब इसका उपयोग लातेहार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कैंप कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। तो ये जो घर है, ये लकड़ी से बनाया गया है, और ऐसे घर को स्विट्जरलैंड में शैले बोलते हैं, शायद इसीलिए इसको शैले हाउस बोला जाता है। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो बाहर, ये है गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, और अगर आप आओगे तो ये जो मेन सेक्शन है अंदर, इसको आप विजिट कर सकोगे। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने पलामाओ डाक बंगलो। यहाँ पे लंच हम पहले से ही बोल के गए थे मॉर्निंग में जब हम लोग निकल रहे थे, तो चलिए अंदर वहाँ जाके हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद वेदर ठीक ही है सो निकलेंगे लोथ फॉल्स की तरफ। तो ये है पलामाओ डाक बंगलो, यहाँ पे आप रह भी सकते हो, यहाँ का बुकिंग आपको मिल जाएगा लातेहार वेबसाइट से। यू कैन, दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस टू स्टे आई बिलीव, यू कैन ट्राई एंड स्टे हियर एज़ वेल। तो ये आ गया हमारा गर्मा गर्म लंच, सैलड पापड़ बीन्स कड़ी दाल और बैगन फ्राई।
हम लोगों का लंच हो गया और खाना बहुत ही अच्छा था, एकदम सिंपल एंड टेस्टी। और होटल भी वापस गए थे 5 मिनट्स के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप कर लिए और अभी निकले हैं टूवर्ड्स लोथ फॉल्स। तो यहाँ से अभी 2 PM बजा है, लोथ फॉल्स यहाँ से गूगल मैप्स दिखा रहा है कि इट्स 1 hour 30 minutes। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, और रोड्स तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, लेट्स शेयर द रोड विद यू एज़ वेल। Same road that we came up to Netarhat on. आते वक्त डार्क हो गया था तो आपको दिखा नहीं पाए। The road surface is good and it goes through a pine forest. तो Netarhat gate जो कल दिखाए थे आपको, वहाँ से सीधा जाएंगे तो रांची आ जाएगा और हम लोग राइट टर्न ले लेंगे टूवर्ड्स मोहादनर। मोहादनर से आगे जाके आता है लोथ फॉल्स। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी सेम नाम है, मोहादनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इट इज फेमस फॉर वुल्व्स। इट्स द ओनली सेंचुरी फॉर वुल्व्स इन इंडिया। तो इसीलिए 4:30 बंद हो जाता है, बिकॉज द रोड टू द फॉल्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट एंड आफ्टर डार्कनेस इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ अराउंड। अभी हम लोग Netarhat गेट को क्रॉस करके राइट टर्न ले लिए है टूवर्ड्स मोहादनर। ये पूरा एक टेबल टॉप एरिया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। जस्ट अ रोड गोइंग थ्रू ग्रीन फील्ड्स एंड इट्स नाइस एंड स्लोपिंग एंड हिलिंग। दूर छोटे छोटे पहाड़ के पीक्स दिख रहे हैं और फॉरेस्ट एंड फार्म लैंड्स and just this road, and this is amongst the most remotest part of India that you can be. So I will continue driving on this road for long duration. I'll not see any other vehicle. ये जो आप नज़ारे देख रहे हो ना, ये देख के आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो, आपको लगेगा कि आप या तो यूरोप में हो या तो स्कॉटलैंड में हो। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। मन तो करता है कि इधर एक जमीन ले लो, एक बंगला बना लो और बैठे रहो। ब्यूटीफुल लश ग्रीनरी, क्लाउडी स्काईज, sun is shining in between, fantastic roads. Just look at it, how nice it looks when the sun is out. देखिए ये है मोहादनर मार्केट प्लेस। बहुत ही क्राउडेड एरिया है पर सब कुछ मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे शू शॉप भी है, कपड़े का भी दुकान है और सामने जो है सब्जी बाजार। तुमको जाना है कर नहीं जाना है? काफी कंजेस्टेड है ये। तो अभी हम मोहादनर क्रॉस कर गए और वो जो पहाड़ी दिख रहा है आपको उसी के अंदर है लोथ फॉल्स। तो यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रोड्स आर डीसेंट, मोस्टली इट इज गुड, बट देयर आर ब्रोकन पैचेस इन बिटवीन। तो अगले 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, देन वी विल हैव टू ट्रैक सम डिस्टेंस पैदल, वो भी आपको दिखाएंगे।
फिर जाके फॉल्स एंड लोथ फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड. कितना हाइट है वो हम डाल देंगे वीडियो में, बट इट इज द हाईएस्ट वन. सो आइए चलिए देखते हैं लोथ फॉल्स. वी आर जस्ट नाउ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द वाटरफॉल्स और आप व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है. These are the untouched gems of India. We're now going through a Sal forest just at the foothills. सो एट द गेट द मेटल रोड एंड्स और अभी फिर से रैली रोड है. आज हम लकी है कि बारिश नहीं हो रहा है. बारिश होता है तो ये पूरा कीचड़ बन जाता है. लास्ट टाइम जब वहाँ आए थे एकदम कीचड़ के ऊपर से चलाना पड़ा था. सो वी आर इन अ वे लकी कि आज इट इज़ ड्राई, बट अगेन इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ रैली रोड्स, अप्स एंड डाउन्स. तो लेट्स एंजॉय इट फॉर अ वाइल. जब हम पहुंचेंगे एकदम गेट पे जहाँ पे गाड़ी पार्क करना होता है तो वहाँ पे आपको फिर से दिखाएंगे कि कहाँ से हम लोगों को ट्रैक करके जाना पड़े. ये रनिंग रिव्यूलेट्स है, ये देखिए, जो कि वाटरफॉल से आ रहा है. तो अभी हम लोग ट्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं. यहीं से आप देख सकते हो नजारा कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से. जस्ट लुक एट इट. तो चलिए और भी पास चलते हैं और जाके देखते हैं. चलिए जस्ट लुक एट दैट. अभी मॉनसून है तो पानी बहुत ही ज्यादा है. आप लोग थोड़ा क्लोजली लुक ले लीजिए. तो अगर आप बच्चे या बुजुर्ग इंसान के साथ आते हो यहाँ तो यू विल गेट प्लेसेस लाइक दिस टू सिट. आप रेस्ट लेके भी जा सकते हो, जो कि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, तो इस बार है. प्लीज डोंट मिस कमिंग हियर. ब्यूटीफुल चारों ओर से वाटरफॉल यू कैन सी. नीचे एक ब्रिज भी है जहाँ हम लोग अभी जाएंगे, तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं.
मैगी और फिर खा के निकलेंगे. दिस लुक्स डिलीशियस बट स्लाइटली हॉट. लेट इट कूल डाउन. उसके बाद मैगी खाएंगे. आरव इज ऑल्सो एक्साइटेड. मैगी विद हॉट. लोथ फॉल्स देख के हम निकल चुके हैं. अभी हम वापस नेताराट जाएंगे. नेताराट में आज और कोई एजेंडा नहीं है. रिलैक्स एंड स्पेंड सम गुड टाइम इन द होटल. यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा. इट्स गोना बी 5 o'clock. 6:30 तक हमको पहुँच जाना चाहिए. रोड आप देखिए हो आते वक्त. इट्स नाउ ऑल वेल मेड. लास्ट टाइम जब हम आए थे 2 साल पहले तो रोड सरफेस वॉज नॉट दिस गुड. तो इट्स बीन अ स्मूथ ड्राइव टिल नाउ. एटलीस्ट मोआ दानर के बाद तो बहुत ही अच्छा है. और देखो ये लोग भी घर जा रहे हैं. हाँ. सो यू विल गेट टू सी दिस इफ यू कम टू दिस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन द इवनिंग यू विल सी दिस प्रोसेशन ऑफ काउज. तो हमारा प्लान था कि मैग्नोलिया पॉइंट में जाके आज एटलीस्ट सनसेट देखेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया. अभी 5:30 बजा है और आप देख सकते हैं कितने डार्क क्लाउड्स हैं और कितना धुआंधार बारिश हो रहा है. तो कल भी बारिश हो गया था, हालांकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे. हमको कल पता था कि देख नहीं पाएंगे. आज भी बारिश हो गया. आज जाके हम लोग का पूरा प्लान था कि जाके देखेंगे सनसेट, लेकिन आप बारिश देख सकते हो. इतना बारिश में तो कहाँ सनसेट देखेंगे. तो अभी इसलिए हम लोग वापस होटल जा रहे हैं. वहाँ जाके थोड़ा स्नैक्स खाएंगे, रिलैक्स करेंगे. और अच्छा भी लग रहा है, बारिश हो रहा है एंड वी आर ड्राइविंग. ऐसे ही मुझे रेन्स में ड्राइव करने में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि रोड्स एकदम खाली हो जाते हैं. द फर्स्ट रीज़न. बट यहाँ हिल्स में रेन्स में ड्राइव करने का ये मज़ा हमारे साइड उतना होता नहीं, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है और रोड्स भी इतने अच्छे नहीं होते. बट अभी जस्ट आई एम जस्ट क्रूजिंग ऑन दिस कर्व्स. इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ. और ऊपर सनरूफ भी हम लोग मतलब लेट खोल दिया. ग्लास अभी भी है ग्लास का. तो द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सनरूफ अनदर मेस्मराइजिंग इफेक्ट. पता नहीं कितना दिख रहा है आपको, ये पूरा क्लाउडी है. अभी हम एकदम क्लाउड्स के अंदर से जा रहे हैं. फॉग नहीं कहूँगा, क्लाउड्स ही है, क्योंकि बारिश हो रहा है ना. फॉग नहीं है, क्लाउड्स ही है. एकदम बादलों के भीतर से जा रहे हैं. और रोड फुल एम्प्टी है, मतलब रोड में बस कोई नहीं है, हम ही लोग हैं. अगर सामने से कोई आ जाए तो भूत. भूत तो नहीं आएगा. अभी बोर्ड लगा हुआ था 26 किलोमीटर टू आवर होटल. होटल का ही बोर्ड लगा हुआ था. तो ये अच्छा है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी इतना लो है. झारखंड टूरिज्म ने हर जगह अपने बोर्ड्स लगा के रखे. ऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का डिस्टेंस डायरेक्शन सब दिया हुआ है, और साथ में उन लोगों का प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है वो भी लिखा हुआ है. पाइन फॉरेस्ट, क्लाउड्स, रेन एंड वंडरफुल वाइंडिंग रोड्स.
कर रहे हो ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट लगा के ये सब स्टिकर्स लगाए हुए ऑन द साइड ऑफ द रोड सो यू आर एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द एजेस इन दिस डार्कनेस सो दिस इज हेल्पिंग मी ट्रिमेंडसली इन ड्राइविंग एट अ गुड स्पीड इट्स जस्ट लाइक अ रनवे एंड आई एम लाइक लैंडिंग ऑन द रनवे व्हेन यू आर गोइंग डाउन हिल ब्रिलियंट रोड्स मतलब जिस रोड का इतना कम यूटिलाइजेशन है वो रोड भी इतना अच्छा है Little after 6:30, with still lightning in the sky, we entered Netarhat. तो आज का जो drive था back to Netarhat from Lodh Falls, that was absolutely amazing. Video में तो आप देख ही लिए होंगे already. तो आज का जो vlog है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल का plan हमें भी नहीं पता. So it's a surprise for you as well as us. वेदर देख के डिसाइड करेंगे और फिर से रोड ट्रिप का तो यही मजा है यू कैन चेंज योर प्लान्स वेन एवर यू वॉन्ट सो लेट्स सी वॉट वी डू टुमारो एंड इफ यू हैव लाइक दिस व्लॉग प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग गुड नाइट